अगर आप बेसिक लेवल में हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपकी जो पेमेंट है 10 दिन के अंदर आएगी। अगर आप स्टैंडर्ड में हो तो 7 दिन में आएगी, अगर आप एडवांस में हो तब भी 7 दिन में आएगी। जैसे आप क्लेम बेनिफिट पे क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भरनी है, और देखो ऊपर यहाँ पे लिखा भी है, देखो मैंने सारी डिटेल भर ली है और मैंने कैटलॉगिंग सर्विस पे क्लिक किया था क्योंकि मुझे थोड़ी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं कॉमर्स ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न के स्टैप बेनिफिट के बारे में। अगर आप अमेज़न पर सेल कर रहे हैं या अमेज़न पर सेलर हैं तो अमेज़न पर ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये परफॉर्मेंस टैब में जाके आपको परफॉर्मेंस टैब में जाके स्टैप वाले में आपको जाना है, स्टैप योर ग्रोथ प्लान, इसमें जाओगे ना दोस्तों। देखो ये है स्टैप बेनिफिट का डैशबोर्ड पूरा, है ना। यहाँ पे सब आपको शो होगा कि आप कौन से लेवल पे हो, है ना, और योर करंट बेनिफिट्स क्या हैं, आपका नेक्स्ट लेवल बेनिफिट क्या हो सकते हैं, इसमें वो दिखाएगा आपको, है ना। और इसमें जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपकी परफॉर्मेंस दिखाएगा, और यहाँ पे क्लिक करोगे बेंचमार्क दिखाएगा कि इसमें किस लेवल पे क्या क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, किस चीज़ किन किन चीज़ों में। अभी हमारा जो दिखा रहा है एडवांस में दिखा रहा है करंट लेवल, और प्रीमियम में इतना हो सकता है। ये सारे बेनिफिट्स हैं, है ना, बेंचमार्क है, और नेक्स्ट में दिखाएगा बेनिफिट कि किस लेवल पे क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको वो सब दिखाएगा। जैसे कि बेसिक लेवल में ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग थ्रू सेलर यूनिवर्सिटी, तो सब में ही है, तीन चार चीज़ तो ये सब में ही है, बेसिक स्टैंडर्ड एडवांस और प्रीमियम, ये चार लेवल इन्होंने बना रखे हैं। पेमेंट रिवर्स रिजर्व पीरियड, अगर आप बेसिक लेवल में हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपकी जो पेमेंट है 10 दिन के अंदर आएगी। अगर आप स्टैंडर्ड में हो तो 7 दिन में आएगी, अगर आप एडवांस में हो तब भी 7 दिन में आएगी, और प्रीमियम में हो तब आएगी 3 दिन में, तब आपको 3 दिन में पेमेंट रिसीव होगी आपके अकाउंट में। पेमेंट डिसबर्समेंट साइकिल, ये तीनों में वीकली है, बाकी प्रीमियम में डेली है। वेट हैंडलिंग फीस वेवर, बेसिक में तो नहीं है, स्टैंडर्ड में 6 रुपये छूट मिलती है, एडवांस में 12 रुपये और प्रीमियम में भी 12 रुपये मिलती है। रिफंड फीस वेवर, कोई रिफंड आता है उसमें स्टैंडर्ड में 10 रुपये छूट मिलती है और एडवांस में 30 रुपये, प्रीमियम में 30 रुपये। लाइट इन डील अगर चलाते हो तो इसमें 10% का ऑफ मिलता है स्टैंडर्ड में, और इसमें 20% और इसमें भी 20%। अकाउंट मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, फ्री सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क क्रेडिट मिलते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड एडवांस में होते हो तो आपको 3000 तक का क्रेडिट मिलता है, इसमें सेम प्रीमियम में भी मिलता है। फ्री A+ कैटेगरी की मिलती है आपको, 10 ASIN तक की इसमें मिलती है, किसमें, एडवांस में, और प्रीमियम में भी सेम मिलती है 10 ASIN तक की, है ना, ये सब चीज़ें हैं। और आपको एक वो मिलता है सर्टिफिकेट डाउनलोड, और यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, है ना। और आपको मैं दिखाता हूँ नो मोर पे, एक मिनट रुक जाओ यार, ये क्या हो गया दोस्तों। ये मैंने डाल रखा है आई सेवर के लिए, ताकि थोड़ा आप लगातार कंप्यूटर यूज़ ना करो, कुछ कुछ टाइम में ब्रेक लेते रहो, उसकी चीज़ के लिए डाल रखा है, क्योंकि हम चलाते चलाते भूल जाते हैं, हम सिस्टम पे काम करते करते इससे हमें डिमांड हो जाता है कि कुछ टाइम के लिए ब्रेक लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपके बेनिफिट मिलते हैं अमेज़न में, वो आपको क्लेम कैसे करने हैं और कब तक क्लेम करने हैं, क्योंकि इसमें भाई टाइम होता है, अगर आपने उस डेट तक क्लेम नहीं किए तो वो आपके एक्सपायर हो जाएंगे। तो जैसे कि हम पहले वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो हमें SPN का क्रेडिट मिला है और A+ बेनिफिट मिला है, उसे हम यहाँ पे क्लेम बेनिफिट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये विंडो ओपन हो रही है, उसके जैसे आप क्लेम बेनिफिट पे क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भरनी है, और देखो ऊपर यहाँ पे लिखा भी है, स्टेप SPN क्रेडिट वर्थ ₹3000 एंड A+ कैटेगरी फॉर 10 ASINs, लास्ट डे टू क्लेम द बेनिफिट इज 18 February 2024। आपको मुझे जो हमें ना 18 फरवरी तक इसको क्लेम करना है, नहीं तो ये हमें दोबारा नहीं मिलेगा। फिर इसमें देखो हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है,
मर्चेंट टोकन आईडी भरनी है, जो कि इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको शो हो जाएगी, और सेलर नेम भरना है और अपने मोबाइल नंबर भरना है जिससे रजिस्टर करा हो अपने अकाउंट, और यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस भरना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपको जो क्रेडिट मिले हैं इसमें आपको चाहिए क्या, अकाउंट मैनेजमेंट चाहिए, एडवर्टाइजमेंट ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, या ब्रांड की कोई वीडियो बनाती है, वीडियो में सिर्फ एक ही वीडियो मिलती है, कैटलॉगिंग में 30 लिस्टिंग इसमें आप करवा सकते हो, और इमेजिंग सर्विस चाहिए है ना, आपको कोई इमेज की सर्विस चाहिए या आपको सर्विस नहीं चाहिए, इसमें से आपको क्लिक करना होगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगा। आपको मैं करके दिखाता हूँ, पहले मैं सारी डिटेल भर लेता हूँ। देखो मैंने सारी डिटेल भर ली है और मैंने कैटलॉगिंग सर्विस पे क्लिक किया था क्योंकि मुझे थोड़ी लिस्टिंग करवानी है, तो हम लिस्टिंग के लिए क्लिक करेंगे, उसके लिए हम कैटलॉगिंग वाले पे क्लिक करेंगे है ना। उसके बाद जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये वाला पेज ओपन हुआ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, सिलेक्ट वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर यू विश टू गेट कैटलॉगिंग सर्विस। अब इसमें हमें क्या करना है, जो इनके सिस्टम में जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, इनके में जो सर्विस देते हैं, अब उनमें से किसी का भी यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद इनकी तरफ से कॉल आएगी इनके वहाँ से, तब ये सर्विस चालू होगी। उससे वहाँ से आपको यूज़र डिटेल थोड़ी देनी पड़ेगी। जैसे हमने मान लो ये ले लेते हैं वैल्यू फॉर सेलर, किसी का भी ले लेते हैं। उसके बाद डू यू विश टू अवेल एनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट, यानी कि ए प्लस कैटलॉगिंग अप फॉर अप टू 10 एसाइंस, या हाँ जी हम क्यों नहीं लेंगे, हमें फ्री मिल रही है जब 10 एसाइन लिस्टिंग की ए प्लस कैटलॉगिंग सर्विस फ्री मिल रही है तो हम क्यों नहीं लेंगे भाई। ए प्लस कैटलॉगिंग पता क्या होती है, आपको मैं दिखाता हूँ। आप प्रोडक्ट के नीचे आओगे ना, नीचे आओगे चलो नीचे भाई, चल यार स्लो क्यों चल रहा है। देखो जैसे ये अब ये पेज बना हुआ आगे ना, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ बनी हुई आ रही है, ये होती है भाई ए प्लस लिस्टिंग। अगर आपकी जिसमें भी ऐसे आप बना हुआ देखोगे ना, इससे कहते हैं ए प्लस लिस्टिंग, या खुद भी बना सकते हो अगर सर्विस लोगे तो वही बना देंगे, थोड़ा बेसिक का बनवाते हैं वो लेकिन काम चल जाता है, ये सारा होता है ए प्लस लिस्टिंग ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने यस पे क्लिक कर दिया यस पे, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो अब क्या कह रहा है, सिलेक्ट वन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर यू विश टू गेट एनहेंस्ड ब्रांड कंटेंट ए प्लस कैटलॉगिंग सर्विस फॉर अप टू 10 एसआईएन। तो इसमें हमें सिलेक्ट करना है हमें किससे चाहिए है? जो ए प्लस कैटलॉगिंग सर्विस हमें किससे बनवानी है, हमें वो अब उस सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना है। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो भाई, बहुत सारे हैं जो आपको सही लगे। जैसे हमने लिस्टिंग के लिए उसके लिए किया है तो ए प्लस के लिए भी इसको ही कर लेते हैं भाई ठीक है। उसके बाद प्लीज एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, उस पर हमने यस करके क्लिक कर दिया। ये भी आप चीज़ें पढ़ लेना भाई जो इन्होंने लिख रखा है भाई ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो फॉर्म फिल हो चुका है। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, उनकी तरफ से जिनके पास गई है आपके मेल आएगी और कॉल भी आ सकती है, तो उनमें आपको कुछ ना कुछ अपने यूज़र का डेटा देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी वो आपको कुछ फिर लिस्टिंग के लिए 30 लिस्टिंग का डेटा देना पड़ेगा, यानी कि कौन सी आपको करानी है, फ़ोटो देनी पड़ेगी ठीक है, और उसके प्राइस देने पड़ेंगे, और उस जो भी मटेरियल यूज़ होता है उसमें थोड़े बहुत जो भी लिस्टिंग की बेसिक डिटेल्स होती है आपको वो देनी पड़ेगी उनको ठीक है। उसके बाद वो आपको फिर, तो दोस्तों ये ऐसे आप SPN क्रेडिट के बेनिफिट ले सकते हो। तो आप क्या नाम है, आउट ऑफ स्टॉक डेट पे ध्यान रखना, इन चीज़ों पे ध्यान रखना जो इन्होंने बोला ना, टोटल कैंसिलेशन अगर आपको अच्छे लेवल पे आना है तो कैंसिलेशन रेट कम होना चाहिए, लेट डिस्पैच रेट कम होना चाहिए, सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट कम होना चाहिए, मतलब कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जिसमें रिटर्न कम आए, ये सब चीज़ आपको फुलफिल रखनी है तभी आप एडवांस लेवल पे आ सकते हो दोस्तों। तो चलो इस वीडियो की तरफ रखते हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।